YouTube चैनल नर्सिंग है। मैं तो साथियों आज इस वीडियो में एक और नई अपडेट लेके आए हैं, नई अपडेट देने वाले हैं। क्या अपडेट रहेगी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। पूरी जानकारी देखें, वीडियो इसके बीच में स्किप ना करें क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम के नहीं है। तो साथियों ये जो इन्फॉर्मेशन है साथियों नर्सिंग भर्ती 2023 को लेकर जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो साथियों नर्सिंग ऑफिसर भर्ती का रिजल्ट कब आएगा और पुनः सत्यापन का क्या है, जो एमपी या अन्य राज्यों से डिग्री करके आई हैं उनका क्या होने वाला है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। उसी के साथ फार्मासिस्ट पुनः सत्यापन को लेकर भी हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कॉल कर दीजिए, जिससे ही हम स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कोई भी अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सकें और आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकें। और जो YouTube पर नर्सिंग ऑफिस लगे हुए हैं उनका क्या होने वाला उसको लेकर भी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले साथियों पुनः सत्यापन को लेकर ये जानकारी दे रहे हैं कि पुनः सत्यापन का जो अंतिम दौर था वो पूरा हो चुका है। कल 24 नवंबर 2024 को पुनः सत्यापन का अंतिम दिन था। अब साथियों लिस्ट है वो बननी शुरू हो गई है, विभाग है आपको 2 से 5 के बीच में कभी भी चौंका सकता है। 2 से लेकर 5 दिसंबर के बीच में विभाग कभी भी चौंका सकता है, चाहे तो विभाग बीच में भी 25 से लेकर 30 के बीच में भी विभाग कभी भी, लेकिन अभी तक लिस्ट है वो तैयार नहीं हुई है साथियों। अभी पुनः सत्यापन का कार्य पूरा हुआ है, कल ही पुनः सत्यापन का कार्य पूरा हुआ है। और साथियों एक और जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिन अभ्यर्थियों का पुनः सत्यापन में कोई दिक्कत आ रही है तो वो जिन्होंने उनका पुनः सत्यापन जारी किया था अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया था, तो वहाँ से मिले जिन्होंने अनुभव प्रमाण जारी किया था तो पता कर लें कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई डॉक्यूमेंट में या अनुभव प्रमाण पत्र में तो आपको होल्ड पर भी रखा जा सकता है। तो आप अगर अपना नाम पहली लिस्ट में देखना चाहते हैं तो ये जानकारी है वो पता करें, जिन्होंने आपका अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया था तो वहाँ विभाग में जाके आप है वो पता कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर आपको होल्ड पर रखा जाए और आप है वो पहली लिस्ट से वंचित हो जाएं। तो ये सभी विभाग जो सीएमएचओ पीएमओ प्रिंसिपल सबको ये भेजा गया था, ये अंतिम पुनः सत्यापन का कार्य था जिसमें सभी जिलों के सीएमएचओ मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज अधीक्षक उन सभी को भेजा गया था जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया था। उन सभी को अलग अलग तारीख को बुलाया था, कुछ को 22 तारीख, कईयों को 23 तारीख और 24 तारीख इसका अंतिम चरण था साथियों। पुनः सत्यापन का अंतिम चरण है वो समाप्त हो चुका है। अब साथियों सभी नर्सिंग ऑफिसर की लिस्टें हैं वो बननी शुरू हो गई है। साथियों खुशखबरी आपको जल्दी मिलने वाली है, मिठाई तैयार रखिए और माता पिता और अपने गुरुजनों और आशीर्वाद के साथ जल्दी खुशखबरी का इंतज़ार कीजिए। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको खुशखबरी देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन है उसको कर दीजिए और लाइक और शेयर करें, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और हम नए नए अपडेट आपके लाते रहें। तो फाइनल साथियों अब खुशखबरी मिलने वाली है, जिस प्रकार एनएम की लिस्ट जारी करके विभाग ने चौंकाया था उसी प्रकार नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 की लिस्ट विभाग जारी करके कभी भी चौंका सकता है। और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है कि 2 से 5 के बीच में लिस्ट कभी भी आ सकती है, क्योंकि साथियों राजस्थान सरकार का 1 वर्ष है वो पूर्ण होना है, तो वर्षगांठ पे राजस्थान सरकार है वो नियुक्ति पत्र देना चाहती है, जिसकी जानकारी भी हमने अपने चैनल के माध्यम से दी थी। तो
क्या पता कि लिस्ट 2 से 5 के बीच में आ जाए और आपको जो नियुक्ति पत्र है, ज्वाइनिंग है, वो रोजगार मेले में मिल जाए, क्योंकि रोजगार मेला है वो आयोजन किया जाएगा सरकार की वर्षगांठ पे 1 साल पूर्ण होने पर। तो वहाँ पर नियुक्ति पत्र है वो देने की पूरी पूरी संभावना है। हम तो यही दुआ करते हैं कि आपको रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र मिल जाए और आपको परमानेंट जॉब मिल जाए और आप अपने सपनों को साकार करें साथियों। तो लिस्ट जैसे ही अगर आएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप भी हमारा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, जिससे और भी लाभ उठा सकें। और NM नियुक्ति को लेकर साथियों, जिन बहनों ने अभी तक भी ज्वाइनिंग नहीं की है तो जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कर लें। ज्वाइनिंग की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 6 दिसंबर रहेगी, तो NM बहने ज्वाइनिंग कर लें। क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा, किस क्या प्रोसेस रहेगा ज्वाइनिंग का, सारा प्रोसेस हमने वीडियो बना के दे रखा है। जिन बहनों का सिलेक्शन हुआ है तो एक तो जो लिस्ट आई है उसमें आपका नाम है वो कितने नंबर पर है, और जो आदेश आया है उसकी कॉपी और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले आपको CMHO ऑफिस में जाना है, जहाँ जिस जिले में आपकी पोस्टिंग हुई है। CMHO जाने के बाद वहाँ पर आपको फिर ऑर्डर देंगे बना के, वहाँ से आपको ब्लॉक CMHO में, ब्लॉक CMHO से फिर PSC पे, PSC से फिर आपको जहाँ सब सेंटर मिला है वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो रिपोर्टिंग का प्रोसेस यही रहेगा, यही सेम प्रोसेस जो नर्सिंग ऑफिसर वाले हैं उनका रहेगा। जब उनको नियुक्ति मिलेगी तो यही सेम प्रोसेस उनका रहेगा, कैसे ज्वाइनिंग करनी है। तो जिस जिले में, हम तो यही दुआ करते हैं कि जहाँ आपको नियुक्ति मिले वहाँ ज्वाइनिंग कर ले, क्योंकि साथियों परमानेंट नौकरी है और अच्छी सैलरी मिलेगी और सपना भी आपका साकार होगा परमानेंट जॉब का, जो आप 5-10 साल से संविदा पे लगे हुए थे, सपना देख रहे थे परमानेंट होने का, तो वो सपना है वो पूर्ण हुआ है। NM बहनों का और कुछ बहनों का होल्ड पर है, तो वो भी चिंता ना करें, उनका भी लिस्ट है वो जल्दी जारी होगा। और साथियों आचार संहिता है वो हट चुकी है, तो आचार संहिता हटने के साथ जो 7 जिलों की बहनें होल्ड पर थी तो उनकी लिस्ट भी जल्दी आने वाली है, तो वो भी चिंता ना करें, अपना हम अपने चैनल के माध्यम से उनको भी सूचित कर देंगे और बधाई पत्र दे देंगे। हमारे चैनल की तरफ से बधाई देंगे कि जो 7 जिलों की बहनें होल्ड पर थी उनकी भी लिस्ट जारी हो गई है, क्योंकि विभाग है वो अचानक से लिस्ट है वो जारी करता है, तो कभी भी आपको खुशखबरी दे सकता है 7 जिलों की जो बेने होल्ड पर है, तो वो भी चिंता ना करें। और बाकी जो MP या अन्य राज्यों से डिग्री करके आई हैं, जैसे नर्सिंग ऑफिसर है, NM है, फार्मासिस्ट है, तो वो भी चिंता ना करें, उनकी डिग्रियों की जाँच हो रही है। RNC से है वो लेटर भेज दिया गया है, सभी जो MP NNC है, MP नर्सिंग काउंसिल है या अन्य राज्यों की जो पंजाब नर्सिंग काउंसिल है, उन सबको आदेश भेज दिया गया है और वहाँ से आपकी जानकारी है वो मंगवाई जा रही है। वो चरण अगर पूरा हो जाता है तो फिर जो NM बेने होल्ड पर है या कई बेने हैं वो सैलरी, जिन कईयों की सैलरी है वो बाई हैंड मिल रही थी तो इसके कारण होल्ड पर रखा है, तो कई कारण हो सकते हैं होल्ड पर, क्योंकि डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो सकती है, तो होल्ड पर रखा जा सकता है एक्सपीरियंस में, सैलरी को लेकर या अन्य राज्यों से। उसी प्रकार अगर नर्सिंग ऑफिसर वाले इन सब से बचना चाहते हैं कि आपका पहले लिस्ट में नाम आए, तो आप अनुभव प्रमाण पत्र जिन्होंने जारी किया था तो वहाँ से आप पता कर लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि कमी है तो आप अभी जाकर वो सुधार लीजिए, नहीं तो जैसे ही लिस्ट जारी होगी तो आपको होल्ड पर रखा जा सकता है। तो साथियों ये जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर किया, हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देख रहे हैं साथियों, ये सभी जिलों का अंतिम दौर था, अंतिम चरण था पुनः सत्यापन का, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसकी जानकारी हमने 2 दिन पहले ही वीडियो बना के भी दी थी, तो लिस्ट है वो कभी भी जारी हो सकती है, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कर, मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट के साथ फिर से नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।